सीहोर के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, जीतू पटवारी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार देश की पहली सरकार है जिसने कांग्रेस किसानों पर GST लगाई है। इसके बाद कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा, बेरोजगारी, महंगाई, किसान आदि मुद्दे को उठाया। यहाँ तो जो 4600 सोयाबीन है उसकी कीमत 3100 रुपए मिल रही है। कहाँ गए नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान? क्या ऐसी सरकार को एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है? मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, 56 रुपए लीटर था डीजल जब सोनिया गांधी जी और सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 56 रुपया लीटर, आज लगभग 100 रुपया लीटर। इन्होंने तो एक नई बात की, DAP और यूरिया के बगैर हमारा एक क्षण भी काम नहीं चलता। DAP का तो एक कट्टा 1300 और 1400 रुपए तक पहुंचा दिया, और ब्लैक में तो 2000 में किसान को खरीदना पड़ता, जब मौके पर जरूरत हो तो मिलता नहीं। कोऑपरेटिव के अंदर इसलिए कि जो जरूरत है वो मिलता नहीं। और पहली सरकार है मेरे भाइयों, पहली सरकार है जिसने यूरिया के 50 किलो के कट्टे से 5 किलो खाद ही चोरी कर ली। ऐसे चोर है। और हिंदुस्तान की पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 75 साल देश को आजाद हो गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई किसान पर टैक्स लगा दे।